साथियों, कोई देश जब समय पर सही फैसले लेकर सही नीयत से सभी का साथ लेकर चलता है तो उसका तेजी से विकास होना निश्चित है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि पिछली शताब्दी में तीसरी औद्योगिक क्रांति का जर्मनी और अन्य देशों ने कितना लाभ उठाया। भारत उस समय गुलाम था और इसलिए वह इस दौड़ में बहुत पीछे रह गया, लेकिन आज 21वीं सदी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में इंडस्ट्री 4.0 में पीछे रहने वालों में नहीं, बल्कि इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया में हो रहे रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में से 40% ट्रांजेक्शन भारत में हो रहे हैं। आज भारत डेटा कंजम्पशन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत उन देशों में है जहां डेटा सबसे सस्ता है। इक्कीसवीं सदी के नए भारत में लोग जितनी तेजी से नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं वो किसी को भी हैरान कर सकती है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पाने के लिए बनाए गए कोविन पोर्टल पर करीब 110 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कोरोना संक्रमण की ट्रैकिंग के लिए बनाए गए एक विशेष ऐप आरोग्य सेतु से आज करीब 22 करोड़ भारतीय जुड़े हुए हैं। सरकार द्वारा खरीदारी करने के लिए बनाए गए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम से करीब 50 लाख विक्रेता सेलर्स जुड़े हुए हैं। आज 12 से 15 लाख भारतीय ट्रेन से आने जाने के लिए हर रोज 12 से 15 लाख टिकट ऑनलाइन बुक करा रहे हैं। आज भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है वो अभूतपूर्व है। आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि अब देश के अनेक क्षेत्रों में ड्रोन से फर्टिलाइजर को छिड़काव होने लगा है। भारत में सरकार ने एक योजना शुरू की है, स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत देश के लाखों गांवों में जमीन की मैपिंग, घरों की मैपिंग का काम ड्रोन ही कर रहे हैं। इस अभियान के द्वारा करोड़ों नागरिकों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय, राहत और बचाव के समय भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत में लगातार बढ़ रहा है।